अगर आप पढ़े लिखे हो और बेरोजगार भी हो तो सावधान। अगर आपको ऐसा मैसेज आया है कि अब आपको हर महीने मिलेंगे 3500 रुपये, तो पहले इसकी सच्चाई जान ले, क्या वास्तव में ये सच है। वीडियो देखने से पहले या तो पूरा देखें या अभी छोड़ दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान महंगा पड़ता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपये दे रही है। अगर आपको WhatsApp पर ऐसा संदेश मिला है तो सावधान हो जाइए। इस मैसेज में 15 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बताया गया है। इसके लिए भी हम आपको बता दें, इस मैसेज में और भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों की योग्यता 10वीं पास बताई गई है। बेरोजगारों की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, ये बताई गई है। चलिए अब इनकी सच्चाई जो है क्या है ये जान लेते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने फैक्ट चेक के आधिकारिक अपने ट्विटर हैंडल से इस मैसेज की हकीकत बताई है। अपने पोस्ट में उसने कहा कि इसमें किया गया दावा और दिया गया ब्लॉक लिंक बिल्कुल फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB ने कहा है कि ऐसी फेक न्यूज़ को नहीं फैलाएं और सावधान रहे। इसी बीच व्हाट्सएप पर एक और मैसेज वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दावा किया गया है कि यो कार्ड धारकों को यानी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपये की राहत पैकेज जो है दिया जा रहा है। और इसको लेकर भी PIB फैक्ट चेक में यह खबर गलत निकली है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लॉन्च की गई है। इस तरह की फेक साइट से सावधान रहे और फ्रॉड साइट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। ये सब कुछ फ्रॉड निकला है फैक्ट चेक में। लगातार आप हमारे खबरें यूं ही देखना चाहते हैं तो Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।